हमने जब पहले पुरस्कार वापस किया था साहित्य अकादमी का, तो ये कहा गया था बार बार कि हमने कोई मुहिम चलाई। वो स्वतः स्फूर्त था। भारत के राष्ट्रपति से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि इट इज़ एविडेंट दैट दिस इज़ स्पॉन्टेनियस। और उस अभियान से जो कि स्वतः स्फूर्त था, कम से कम असहिष्णुता का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गया। संसद तक को उस पर बहस करने की जरूरत पेश आई। अब एक दलित युवा जो विज्ञान पढ़ना चाहता था और लेखक बनना चाहता था, जिसने एक बहुत ही मार्मिक सुसाइड नोट आज प्रकाशित हुआ है उसका, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्योंकि अभी तक जो समझ में आता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने एक दलित विरोधी और असहमति विरोधी, जो असहिष्णुता के दो रूप हैं, एक रवैया अपनाया। तो मैं अब एक लेखक हूँ, मैं उससे शायद 50-55 बरस बड़ा होऊंगा, तो एक दिवंगत और अब असंभव लेखक की प्रणति में मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस विश्वविद्यालय ने जो मुझे मानद उपाधि डीलिट की दी है, मैं कम से कम उसको वापस करके उसको एक श्रद्धांजलि तो दे ही सकता हूँ। बस यही मैंने किया। क्या लगता है जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है? देखिए, मालदा में हुआ है, मुजफ्फरनगर में हुआ है, अब राम मंदिर को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की चेष्टा हो रही है, तो सब है। तो समाज को इस बारे में सचेत करना एक ज़रूरी कर्तव्य है जो हम में से कुछ लोग निभाते हैं। सर, कम से कम जो विश्वविद्यालय की दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कैंपस में जो है, मतलब राम मंदिर का सेमिनार आयोजित किया, वहाँ भी छात्र जो है प्रदर्शन पर बैठे हुए, तो ये विश्वविद्यालयों तक मतलब इनकी मतलब ये है कि देखिए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए ये तो संभव होगा नहीं, क्योंकि सारी राजनीति विश्वविद्यालयों से, राजनेता भी तो वहीं से आते हैं कुल मिलाकर। लेकिन विश्वविद्यालयों के काम में असहमति की तो गुंजाइश और जगह होनी चाहिए। विश्वविद्यालय कोई सहमति के किले थोड़ी हैं, ये तो असहमति की और वैचारिक बहुलता की का परिसर है, इसको वैसा रहना चाहिए। हम